ओम साईराम मेरे बच्चे, कैसे हो तुम मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे लिए आज एक परम खास संदेश लेकर आया हूँ मेरे बच्चे। इस संदेश को तुम समय निकाल कर जरूर पढ़ना मेरे बच्चे। इस संदेश में तुम्हारे लिए कुछ खास बातें लेकर आया हूँ, जिन बातों को सुनना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है मेरे बच्चे। यहाँ तुम्हें कुछ नकारात्मक शक्तियाँ इस प्रकार खोज रही हैं, जैसे मानो तुम उनके खास अपने हो। वह तुम्हें भय, चिंता और कुछ बीमारी के रूप में दिखाई देने वाली हैं, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें तुम्हारे करीब आने से कई अपनी परम दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण कर दिया है। तुम पहले से ही बहुत ज़्यादा चिंतित हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस समय अपनी कृपा दृष्टि के माध्यम से। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे समक्ष ही तो खड़ा हूँ इस पल। तुम मुझे अत्यधिक चिंतित दिखाई दिए, मैंने सोचा मेरा बच्चा मुझसे आखिरकार किस कारणवश इतना क्रोधित हो रहा है, जो मुझे याद भी कर रहा है मेरे लिए कुछ नकारात्मक विचारों को भी उत्पन्न अपने भीतर हर पल अर्थात जागृत कर रहा है। मैं तुरंत अपने भक्त के पास पहुंचा। मैंने तुम्हें मेरे बच्चे इस हालत में देखा। मैं तुरंत तुमसे बातें करने लगा। अभी कुछ समय पहले जानते हो मैंने तुमसे कितने अधिक लंबे समय तक बातें की थी मेरे बच्चे। मैंने आज तुम्हारे मन के साथ कई रंगों से एक लंबे समय तक होली खेली थी मेरे बच्चे। तुम्हारे मन को मैंने तरह तरह के रंगों से आज भर दिया है, जिसमें प्रेम, खुशी, ये तो दोनों अपार मात्रा में तुम्हें चमकने को मिलेंगे मेरे बच्चे, जिन्हें तुम बहुत ही जल्दी अब अपने जीवन में महसूस भी करने जा रहे हो। मेरे बच्चे क्यों रह रहे हो इतने चिंतित? जानते हो मैंने तुम्हारे लिए एक परम दिव्य कार्य पूर्ण कर दिया है। जानते हो मेरे बच्चे उसे मैंने किस प्रकार तुम्हारे लिए सिद्ध करके तुम्हारे आसपास जो भी वातावरण है पहले उसे शीतल करा और ठंडी ठंडी वायु से उसे इतना मैंने कोमल कर दिया कि उसका हृदय तुम्हारी तरफ धड़कने लगा और तुम्हारे समीप जो वातावरण था वह शीतल होकर तुम्हारे आसपास के क्षेत्र को भी शीतल कर रहा है मेरे बच्चे। बहुत ही जल्दी तुम्हारे जीवन में एक बारिश के रूप में बरसात होने जा रही है, जिसे तुम अपनी दिव्य आँखों से देख भी पाओगे। तुम्हारी यह दिव्य दृष्टि मेरे बच्चे तुम्हें बहुत कुछ महसूस कराने वाली है। यह जो बारिश होगी मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन में उड़ रही उस धूल को शांत करने के लिए आई है, जिसने तुम्हारे चारों तरफ दुखों का एक काला सा बादल बना दिया है, जिसके कारण कोई भी सुख प्रवेश नहीं कर पा रहा है मेरे बच्चे। आज तुम्हारे जीवन में से किसी एक की मैंने एक लंबे समय के लिए अर्थात अंत समय के लिए विदाई कर दी है। जानते हो तुम्हारे घर से आज मैंने किस किस को विदाई दी है? मैं अभी आया तुम्हारे जीवन में, आने के बाद मैं तुम्हारे समक्ष आया। समक्ष आने के बाद मैंने तुम्हारे दुखों को देखा, फिर वहां से मैंने क्रोध, अहंकार और दुख, इन तीनों को हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से भेज दिया है। अब मुझे मेरे बच्चे वहां चारों तरफ जो वातावरण तुम्हारी पवित्रता के कारण शीतल हुआ था, उस वातावरण में चारों तरफ मुझे फूलों की सुगंध महक आ रही थी। मैं उस सुगंध में इतना ज़्यादा खो गया मेरे बच्चे, तो सोचो तुम कितना ज़्यादा और खो जाओगे उसमें, क्योंकि तुम्हारे भीतर तो श्रद्धा मेरे लिए अपार भरी हुई है। तुम आज भले ही अनेक दुखों में हो मेरे बच्चे, लेकिन मुझे हमेशा याद करते रहते हो। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम मेरे लिए सच्चे हृदय से भक्ति कर सकते हो,
तो मैं तुम्हारे लिए फिर क्या कुछ नहीं कर सकता मेरे बच्चे, मैं तो अपने भक्तों के लिए सदैव वही करता रहता हूँ जिसमें मेरे बच्चे अर्थात मेरे भक्त प्रसन्न रहते हैं। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्रसन्न करने जा रहा हूँ मेरे बच्चे, जानते हो वह तुम्हारे लिए कितना बिलख बिलख कर रो रहा है। मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का इतना बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि वह तो अपने आप को ही भूल बैठा है, उसे नहीं है होश अब वह क्या कर रहा है, कौन उससे क्या करा रहा है। वह तो एक ही दुनिया में मस्त है मेरे बच्चे, कभी तुम्हारी तस्वीर को देखता है तो कभी तुम्हारे ख्यालों में इतना ज़्यादा खो जाता है कि फिर एक लंबे समय तक वह बाहर ही नहीं आ पाता है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारी उन बातों को अत्यधिक याद करता है जब तुम उसके कंधे पे या फिर गोदी में सर रखकर बोला करते थे और सुना करते थे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ घूमना उसे रह रह कर तड़पा रहा है, उसे इतना ज़्यादा मन उसका लालच दे रहा है और बार बार कह रहा है कि मुझे फिर से उसी के साथ घूमना है जिसके साथ मुझे सुकून मिलता था। मेरे बच्चे, वो कभी किसी से मिलता है, कभी किसी से मिलता है, वह सबसे एक ही बात बोलता है मेरे बच्चे, बिछड़े हुए साथी से कैसे मिला जाए। सब दोस्त उसके हैरान भी हैं कि यह तो कितना ज़्यादा प्यार करने लगा है अब उससे। पहले जब हम पूछते थे कि भाभी कैसी हैं तो यह कुछ नहीं बोलता था और अब खुद ही आकर हमसे बोल रहा है। और भी न जाने मेरे बच्चे क्या क्या बातें सोच रहे हैं। कुछ लोग तो उसके मित्रों में ऐसे भी हैं जो तुम्हारी तस्वीर को देखते ही रह गए, उन्हें तुम अत्यंत प्रिय लगे और फिर उन्होंने यह भी बोला, तूने इतने अच्छे जीवन साथी को क्यों छोड़ रखा है। हमारा देख, हमारा जीवन साथी तो इतना अच्छा भी नहीं है, हमारी कोई भी बात नहीं मानता और हम तो इतना प्यार करते हैं। तब तुम्हारा प्रेमी पता है क्या बोलता है मेरे बच्चे? मेरे बच्चे, वो बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी अपने परिवार के कारण। मेरे परिवार वालों ने कुछ ऐसे दबाव डाले जिनके कारण मैं मजबूर हो गया और यह सब फिर मुझे करना पड़ा। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात तो बिल्कुल सच है, मैंने भी उसके हृदय में झांक कर देख लिया है, वह तुम्हें भुला नहीं सकता है क्योंकि तुमको उसने अपने हृदय के भीतर इस तरह बिठा लिया है। अब वहाँ किसी और के बैठने की गुंजाइश ही मुझे भी दिखाई नहीं दे रही है। मेरे बच्चे, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो वह तुमसे कितना और भी अधिक प्रेम करने लगा है। मेरे बच्चे, जानते हो अब तुम भी उसे अगर नहीं मिलोगे तो वह तुम्हारे सिवा किसी और को अपनाएगा नहीं। वह आज किसके साथ है या फिर अकेला है, यह बात मैं भली भांति जानता हूँ मेरे बच्चे। वह मन से किसके साथ है मेरे बच्चे, उसके मन में हर पल तुम ही तुम नजर आते हो। वह जब भी अपने कार्य से थोड़ा फ्री होता है तुम्हारे बारे में ही सोचने लग जाता है। मेरे बच्चे, वह तो अब अपने ही आप पर अपना नियंत्रण भी नहीं कर पा रहा है, जानते हो उसने अपना क्या हाल बना रखा है। उसका शरीर भी अब अस्वस्थ रहने लगा है, बिल्कुल भी स्वस्थ उसका शरीर और उसका मन अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं मेरे बच्चे, क्योंकि वह खुद हर पल इतनी चिंता में रहता है कि उसका मन और मस्तिष्क सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और फिर वह तुम्हारे बारे में सोचते ही चले जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी एक निश्चित समय पर तुम दोनों का मिलन कराऊंगा और तुम्हें मैं पहले जैसा जीवन साथी अब फिर से वही नहीं दे रहा हूँ। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, जीवन साथी तो वही है लेकिन उसकी आदतें, विचार, स्वभाव, रहने का ढंग और बातचीत करने का ढंग, सब कुछ तुम्हें बदला हुआ महसूस आएगा मेरे बच्चे, क्योंकि उसने अपने आप में इतने बदलाव किए हैं कि मैं तो खुद हैरान हूँ। मेरे बच्चे, यह पहले इतना आलस करता था कोई भी कार्य करने में, लेकिन अब तो मेरे बच्चे वह हर कार्य इतनी फुर्ती से कर रहा है कि पता नहीं आलस उसने कहाँ रख दिया हो। बस तुम्हारे ख्यालों में ज़्यादा खोया रहता है, कभी छत पर बैठ जाएगा तो कभी एकांत
उस कमरे के कोने में बैठ जाएगा जिसमें बैठकर वह तुमसे बातें किया करता था मेरे बच्चे। कभी कभी अपना फ़ोन निकालकर अपने दूसरे कान पर रखकर बातें करता है खुद से ही तुम्हारी आवाज़ में। मेरे बच्चे, वह सचमुच पागल सा हो गया है तुम्हारी याद में। जब तुम मिलोगे, देखोगे उसका हाल, तुम हैरान हो जाओगे। फिर तुम्हें एक बार अपने आप पर भी अफसोस होगा कि मुझे दूर नहीं जाना था। और फिर से तुम्हारा जीवन अब रंगों के साथ खिल उठने वाला है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, बहुत दुख सहे हैं तुमने, कोई माने इस बात को या ना माने, लेकिन मैं तो भली भांति मानता हूँ ना मेरे बच्चे। तुम क्यों फिक्र करते हो, मैं तुम्हारे जीवन को देखना एक दिन ऐसा जगमगा दूंगा मेरे बच्चे, देखती रह जाएगी ये दुनिया। तुम मेरे भक्त हो। ओम साई।